स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम निशुम की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम निशुम की जय। काशिकी, इस बार उन दुष्टों ने चंडमुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी, तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं, एक ही रूप को दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाह पटु हो, तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करूं, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देवऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं। असुर सेनापति महाबली चंडमुंड की जय। माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दें। आइम रीम क्लीम। असुर सेनापति महाबली चंडमुंड की जय। सावधान दुष्ट चंडमुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्ग लोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंब निशुंब की यही आज्ञा है। चंडमुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। Yeah!
कौशिकी, मैंने इन दोनों दुष्ट असुरों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए। अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंड मुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता।